वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही फेमस आलू गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमने हाफ के जी गोश्त लिया है, 4 टमाटर और 5 आलू को हमने इस तरह से राउंड स्लाइस कर लिए हैं, और 4 से 6 हरी मिर्च, हाफ कटोरी हरा धनिया। अब हम इस रेसिपी को बनाने के लिए हम इन आलुओं को फ्राई कर लेंगे। हमने 100 ग्राम ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इन आलुओं को फ्राई कर लेंगे। जब भी आप आलू फ्राई करते समय थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। इन आलुओं में नमक का टेस्ट अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, हमने आलुओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज प्याज हमने काट लिए हैं। अब हम इस प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्के से ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। वन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर हम इसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देखिए, टमाटे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। आप जब भी ये रेसिपी बनाते हो तब आप सीने के गोश्त का इस्तेमाल कीजिए। हमने ये पोटले का गोश्त लिया है, तभी हमारी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हमने 4 हरी मिर्च, 1/2 कटोरी हरा धनिया डाल लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप दूसरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे गोश्त को अच्छी तरह से गला लिया है। अब हम इन आलूओं को ऐड कर लेंगे। अगर हम पहले डालते तो हमारे आलू गलकर सारे टूट जाते। अब हम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को डालकर ऐसे ही इस तरह से पका लिया है। ये देखिए, आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आलू गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे शीरमल के साथ खाना पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत लजीज रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।